लेटर कौन सा है मम्मा का? फर्स्ट लेटर इज ए। लेट्स स्टार्ट विद ए। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतनी मजेदार वीडियो शूट करने वाली हूँ। ए टू जी फुल फेस मेकअप करूंगी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। मतलब ए फॉर एप्पल होता है लेकिन ए फॉर मेकअप का कुछ होना चाहिए या फिर स्किन केयर होना चाहिए। मतलब एक दुल्हन जब तैयार होती है तो कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करती है, वो ए टू जी में सारी चीजें यूज करने वाली हूँ। सो अगर आप बिगनर हो, मेकअप नहीं आता है, मेकअप करना सीखना चाहते हो, सिंपल इजी बेसिक मेकअप येट ग्लैम मेकअप, मतलब सारे स्टेप्स बहुत सिंपल होंगे लेकिन एंड रिजल्ट बहुत ग्लैमरस सा होगा, वो भी एक चैलेंज वीडियो के थ्रू होगा। मतलब सारे अल्फाबेट्स को मैं ट्राई करूंगी जितना हो सकता है फॉलो करूं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्स वाई जी से कौन से मेकअप का या ब्यूटी का सामान होता है, मैं क्या लगाऊंगी मुझे नहीं पता। ये इतना मुश्किल, इतना टफेस्ट चैलेंज मैंने ले तो लिया है, बट क्या मैं इस चैलेंज को ईमानदारी से कम्प्लीट कर पाऊंगी या नहीं, ये कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड या गाइज, आप देख रहे हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं तो 26 चीजों का इस्तेमाल मुझे करना है, लेकिन अगर एक लेटर से 3-4 प्रोडक्ट अगर हो सकते हैं तो मैं अपनी बुद्धि का पूरा 100% ब्रेन यूज करके मैं देखूंगी कि और क्या क्या हो सकता है। सो आपकी शादी हो, किसी की शादी में जा रहे हो, नई दुल्हन हो, कोई भी इंडियन फेस्टिवल है, ओकेजन है, ट्रेडिशनल लुक, वेस्टर्न लुक, हर तरीके का लुक आज के इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। इस तरह की अगर इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक गाइस। लेट्स स्टार्ट। अब मेरा फर्स्ट लेटर क्या है? ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट लेटर है ए। मेकअप में ए फॉर क्या होता है? ए फॉर कोई मेकअप तो आई डोंट थिंक कुछ होता है, बट मेकअप में तो नहीं, बट हाँ स्किन केयर प्रेप करने के लिए ए फॉर एक चीज होती है जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यूज करती आई हूँ, एंड दैट इज एलोवेरा जेल। सो सबसे पहले मैं यूज करूंगी एलोवेरा जेल को, एंड इससे मेरा स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगा, स्किन प्रेप हो जाएगी, एंड ये एज अ प्राइमर भी वर्क करेगा। सो ये नहीं बोल सकते कि मेकअप का हिस्सा नहीं है, मेकअप शुरू करने का सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर लगाना। सो लेट्स अप्लाई एलोवेरा जेल। स्किन हेयर हर जगह लगा सकते हैं। हियर आई एम डन। सो नेक्स्ट लेटर है बी, एंड बी फॉर होता है ब्लश, ब्रश। बस इतना ही याद आ रहा है। कुछ एक्स्ट्रा आपको याद आ रहा है और मैं भूल गई हूँ तो कमेंट करो। सो यहाँ लिया है मैंने ब्लश, हियर इज माई मेकअप ब्रश। और अब मैं ब्लश को डायरेक्टली अपने चीक्स पे नहीं लगा रही, पहले मैंने हैंड पे लिया, उसके बाद ब्रश में लिया, अब लगाऊंगी। Now see for concealer and contour. So आजकल जो मुझे इतने pimples हो रहे हैं उसको conceal कर लेते हैं, pimple के निशान थोड़े बहुत हैं। Let's do contouring. वैसे ये मैं foundation की बात करती हूँ। सो अगर नोज आपकी बहुत मोटी पकौड़े जैसी अगर हो तो उसको स्लिम ट्रिम आपको शो करना है, सो बस इस तरीके से लगा लो कॉन्टोर। फेस को 3D डायमेंशन देना है, सो अप्लाई हियर ऑल्सो। Now, D for क्या होता है guys? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत दिमाग लगाया। D से क्या ही हो सकता है? मेकअप का तो कुछ नहीं होता, स्किन केयर का भी कुछ नहीं होता है। डिओड्रेंट, आई थिंक डिओड्रेंट, यस वो भी आपकी ब्यूटी का एक हिस्सा है तो मैं डिओ यूज कर सकती हूँ। इस डीओ ने मुझे बचा लिया वरना डी मेरा लेटर स्किप हो जाता। नाउ नेक्स्ट इज ई। ई से क्या होता है? ई से तो बहुत कुछ होता है यार। आईब्रो, आईब्रो ग्रूम कर सकती हूँ मैं, आईलाइनर, आईलैशेस, इलेक्ट्रिक आईलैशेस मेरे पास है वो लगा सकती हूँ, आईशैडो लगा सकती हूँ, तो मतलब पूरा आई मेकअप मैं आई वाली ई वाली चीजों से मिलकर के कर सकती हूँ। यस, तो ये मेरा फेवरेट लेटर है। आईब्रो किट ले रही हूँ एंड लेट मी फिल। आईशैडो बहुत ही सटल कलर का आई शेडो है, अपने अपर क्रीज पे लाइट और यहाँ थोड़ा डार्क कलर यूज करूंगी। आईलैश कलर,
आईलाइनर एंड आईलैशेस। So, पहले मैंने आईलैशेस लगाए, फिर आईलाइनर लगाया, और इन दोनों को लगाने के बाद आंखें एकदम उभर करके आ रही हैं, सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट इज एफ, एंड एफ फॉर फाउंडेशन, मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। लेट्स अप्लाई। नाउ लेट्स ब्लेंड। So guys, foundation is done. Now it's time for G. G से क्या होता है यार? G for makeup या beauty से related क्या होता है? तो last में मुझे एक चीज समझ आ रही है कि G for गजरा भी तो होता है यार। मतलब लड़कियों के makeup का एक हिस्सा है ना, बिना गजरा का hair style कोई बन सकता है क्या? तो फिलहाल मैं गजरा लगा लेती हूँ। So G for गजरा लगा रही हूँ and H for गजरे से hair style करने जा रही हूँ। G for गजरा and गजरे का hair style हो चुका है। बढ़ते हैं next letter की तरफ जो की है I, and I for होता है ink eyeliner, पर ये सब तो मैं लगा चुकी। So, beauty की बात करें तो girls के लिए must have चीज़ होती है, that is innerwear. So, I'm going to change my innerwear for this. Done. अब बढ़ते हैं next letter की तरफ जो कि है J, and J for बरेली वाला झुमका. So, I'll wear झुमका now. क्योंकि J for कोई makeup तो नहीं होता, but झुमका हमारे 16 श्रृंगार का पार्ट है. वाओ, ये झुमका एंड गजरा एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट लेटर है हमारा के, के फॉर ऑफ कोर्स काजल। वैसे पर्सनली मैं काजल लगाती नहीं हूँ, बट अब चैलेंज कर रहे हैं तो काजल लगाना पड़ेगा। पता नहीं कितने सालों बाद मैं काजल लगाने जा रही हूँ, मुझे काजल लगाना नहीं अच्छा लगता, बट ये तो है, काजल लगाने से आंखें बड़ी सुंदर लगती हैं। ओके, नेक्स्ट लेटर है एल, एल फॉर लिपस्टिक, लिप लाइनर। लेट्स अप्लाई। This is beautiful shade. वैसे तो सोचा था रेड लगाने के लिए, लेकिन मैं हमेशा रेड अवॉइड करती हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैं मोस्टली न्यूड, पिंक, पीच, यही सारे लिपस्टिक के कलर्स लगाती हूँ। नेक्स्ट अल्फाबेट है M, and M for of course mascara. मस्कारा थोड़ा यहाँ लग गया, सूख जाएगा तो फिर मैं इसको हटाती हूँ। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ जो कि है N, and N for nose pin, but मेरे पास नहीं आना ही छेद है, so I'll apply nail paint, और वो भी सिर्फ एक हाथ में। इस हाथ में नेल पेंट नहीं लगाती क्योंकि इससे दाल चावल खाती हूँ, तो नेल पेंट चिप ऑफ होके दाल चावल में जाकर के मेरे पेट में ना चला जाए। जो लगा हुआ था नेल पेंट थोड़ा सा चिप हो रहा था आगे से, उसी में लगा दिया दोबारा। नेक्स्ट इज ओ, एंड ओ फॉर गाइज, ये आपको चैलेंज है, ओ फॉर क्या मेकअप या ब्यूटी का होता है आप कमेंट करके बताओ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ फॉर ऑरेंज ही समझ आ रहा है, एंड ऑरेंज खाना आपकी ब्यूटी के लिए बहुत एसेंशियल है, विटामिन सी मिलता है। मन तो कर रहा है ऑरेंज खा के दिखाऊं, लेकिन ये फूड चैलेंज नहीं है। सो ओ फॉर ओले, ओ फॉर ओले की मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी तो लगा सकते हैं हम। सो ये लगाएंगे, लेकिन ये मैं अपने फेस पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। सो ये मैं लगाऊंगी मेरे हैंड्स पे, वैसे भी बहुत ड्राई हो रहे थे। I'm done with though. Next is P, and P for powder. So मैं वैसे भी पाउडर लगाने का वेट कर रही थी क्योंकि पाउडर लगाए बिना आपका बेस सेट नहीं हो सकता है। सो आई एम अप्लाइंग पाउडर टू सेट माई मेकअप। Now next is Q, and Q for very easy Q-tip. तो Q-tip हम स्किन केयर में यूज कर सकते हैं, मतलब बॉडी केयर में यूज कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। Although मैं Q-tip से क्लीन करना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मेरा जो मेकअप मेसी हो गया है मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ।
एंड इट्स डन एंड टोटली ये प्लानिंग नहीं थी, बस अपने आप रैंडम हुआ एंड रैंडम मुझे सूझा कि मैं इसे क्लीन कर लूं तो मैं क्यू का इस्तेमाल कर पाई। लगता है इस वीडियो के लिए तो भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, आर। आर फॉर रेखा, आर फॉर रेस्ट। रेस्ट करूंगी तभी तो ब्यूटी और निखर करके आएगी, तो थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ साथ ही साथ। आर फॉर रबर बैंड हेयर स्टाइल मैंने कर लिया तो रबर बैंड मैं अभी नहीं लगा सकती हूँ। आर फॉर रिंग, आई कैन यूज रिंग, सो यस आई फॉर रिंग। वाओ, नेक्स्ट इज एस, एंड एस फॉर सेटिंग स्प्रे। फाइनली इसकी बारी आ गई, सो मैं सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। अभी याद आ रहा है एच फॉर हाइलाइटर लगाना मैं भूल चुकी हूँ, क्या करूँ, लगा सकती हूँ क्या अभी? बी फॉर बिंदी, बी फॉर बैंगल, मैं ये सब भूल गई और अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ तो मैं पीछे पलट के नहीं देख सकती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ जो कि है टी, एंड टी फॉर टिकली। टिकली आपको पता है क्या होता है, हमारे यहाँ पे टिकली का मतलब होता है बिंदी, तो आई थिंक मैं लगा सकती हूँ क्या? सो ये है टिकली, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। This is done. Now next is you, and you for बहुत सोचा मेकअप में तो नहीं लेकिन हेयर स्टाइल के लिए यूपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये भी ब्यूटी में आता है यूपिन। So I'm going to apply one in my जूड़ा। नेक्स्ट इज वी, एंड वी फॉर वैसलीन, एंड मैं हाइलाइटर लगाना भूल गई तो मैं वैसलीन को एज अ हाइलाइटर यूज कर सकती हूँ, तो क्योंकि इससे थोड़ा शाइन आ जाता है। सो आई थिंक देखो मेरी नोज ग्लो कर रही होगी। चलो थैंक गॉड ये था। वाओ, वैसे लगाते ही ग्लो आ गया चेहरे पे। एंड आई कैन ऑल्सो अप्लाई दिस इन माई हैंड्स, हैंड्स थोड़े ड्राई हो रहे हैं सो नाउ माई हैंड्स विल बी सॉफ्ट। नेक्स्ट इज W, एंड W फॉर मेकअप। ब्यूटी में कुछ नहीं आता यार, बहुत सोचा कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी मेरी नजर पड़ी इसके ऊपर एंड दिस इज वैक्स स्टिक। गाइस ये वैक्स स्टिक है, मतलब ये ऐसे खोलो और यहाँ से इसको पुश करो और यहाँ से वैक्स निकल के आता है एंड ये देखो ये छोटे छोटे जो बेबी हेयर है ना ये देखो अभी हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे, कितने बुरे लग रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम इसको ऐसे कर देंगे बस, अभी अपनी जगह से टच से मस्त नहीं होंगे। जड़ों में नहीं लगाना इसको, बालों के ऐसे ऊपर लगाना, ठीक है? सो आई कैन फिक्स माई हेयर विद दिस। थैंक गॉड ये मेरे पास था, वरना मेरा एक लेटर स्किप हो जाता जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो इससे बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेटर है एक्स, एंड एक्स फॉर मेकअप। ब्यूटी में कुछ नहीं आता है सो ले देकर के एक लॉरियल का एक्सटेंसो हेयर केयर है, तो ये सीरम है एक्चुअली, तो सीरम मैं अपने बालों पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ। अब यहाँ तो मैं वैक्स लगा चुकी हूँ तो इन बालों में थोड़ा सा लगा लेती हूँ मैं। I'm done. Guys, मुझसे एक और बहुत बड़ी गलती हो गई। As for साड़ी भी तो हो सकती थी यार, मैं इतना traditional makeup कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ तो साड़ी में होती तो कितना अच्छा लगता ना। तो guys, मैं यहाँ पे एक lifeline लेना चाहती हूँ please. तो मैं वीडियो के एंड में साड़ी पहन करके आपको ये पूरा लुक शो करूंगी। सेकेंड लास्ट लेटर है Y, एंड Y फॉर मेकअप और ब्यूटी। कुछ नहीं होता, दिमाग के मेरे ना चीथड़े उड़ गए सोच सोच करके वाई फॉर मैं क्या यूज कर सकती हूँ। तो याद आया टीवी में एड्स देखी है यार्डले परफ्यूम की, और यार्डले परफ्यूम मैंने यूज नहीं किया है तो आई डोंट हैव दैट, सो वाई फॉर मैं स्किप करने जा रही हूँ। आपको कुछ वाई से समझ आता है अच्छा ढंग का तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड अब पहुंचते हैं लास्ट, विच इज जी। जी फॉर प्रिंस का फेवरेट कहाँ गया, जी फॉर जारा परफ्यूम। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस क्योंकि मेकअप और ब्यूटी में तो कुछ नहीं आता है, तो परफ्यूम लगा करके हम अपने 16 श्रृंगार को कंप्लीट करते हैं। और 16 नाम 16 श्रृंगार है लेकिन किया बहुत कुछ है, 16 चीजें नहीं की है, 26 तो अल्फाबेट है और हर अल्फाबेट से रिलेटेड मैंने 3-4 चीजें तो कर ही डाली है अप्रॉक्स। सो देखो मेकअप लुक तो मेरा कम्प्लीट हो गया, देखो इतना सटल नेचुरल है और इतना ईजी है ना, कोई भी बिगिनर इसको कर सकता है, मतलब हमारा 2-3 साल बाद ये लुक क्रिएट कर सकती है, इतना ईजी है। चलो अब मैं फटाफट से एस पर साड़ी पहन के आती हूँ एंड ये पूरा लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। सो हियर आई एम डन विद द चैलेंज, सो अब थोड़ा पास से आपको प्यूरी शॉट देते हैं।
सी कमी तो मुझे लग ही रही है, मेरा गला पूरा खाली है। M for मंगलसूत्र पहनना चाहिए था, S for सिंदूर लगा लेना चाहिए था, B for बैंगल होना चाहिए था, H for हाइलाइटर। बट खैर कोई बात नहीं, ये चैलेंज मैंने कोशिश तो की 100% दूं, लेकिन थोड़ी सी कमी तो रह गई मेरी साइड से। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग लगी, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो डू कमेंट, लेट मी नो आपको ये लुक कैसा लगा। काफी इजी पीजी लगाना है, ये बहुत आसान है, सच्ची बता रही हूँ, एक बार आप ट्राई जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।